In this video, we'll solve the MCQs and learn the strategy. जिन्होंने देखी हुई है पहली videos, they can revise. So first हमारे पास क्या question है? इसमें already location given है in the first paragraph. The writer mentions sleep debt to illustrate something. यहाँ आगे इनको इन्होंने एक तरीके से हमें incomplete sentence दिया है. तो location already given है. उसके बाद हमारे पास एक keyword भी है जो कि है स्लीप डेट. कभी भी जो ऑप्शंस है वो नहीं देखने हमने, हम पहले लोकेशन पे जाएंगे, रीड करेंगे. लेट्स गो टू द लोकेशन. फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है. स्लीप डेट आपने जब देखना है तो आपको इस तरीके से अपनी आईज जो है मूव करनी है. आप इस तरीके से, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है, इस तरीके से आईज मूव करोगे. डोंट रीड. आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी. तो जहां पे भी स्लीप डेट मिलेगा वहां पे हम रुक जाएंगे. इन दिस केस यहाँ पे है. सो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वी नाउ नो. देन यहाँ पे स्लीप डेट आ जाता है बीच में, जो कीवर्ड हमें चाहिए. और ये ओवर कहाँ पे हो रहा है? ओबेसिटी पे जाके. अब इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे. वी नाउ नो फॉर एग्जाम्पल दैट जो इफेक्ट्स हैं ऑन द बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटिंग अ लार्ज स्लीप डेट. एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लेना स्लीप को. उसको आगे हाइफन देके बताया गया क्या है वो. द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच स्लीप वी नीड एंड हाउ मच वी गेट. स्लीप डेट जो है वो डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच का, कि कितनी स्लीप हमें चाहिए और कितनी हमें मिलती है. और इससे क्या होता है, सम हॉलमार्क हम देखने को मिलते हैं एजिंग के, एंड कैन इंक्रीज द सेवरिटी ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी. तो जब हमें स्लीप नहीं मिलती, डिफरेंस बढ़ जाता है, तो हमें ये चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिव हैं. नाउ विल गो टू द क्वेश्चन और देखते हैं. फर्स्ट जो है द कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड अ लैक ऑफ स्लीप. ठीक है, तो कनेक्शन बताया गया है हेल्थ और जब नींद पूरी ना हो उसके बीच में. ये थोड़ा सा मैच करता है तो हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्ट दैट वी डोंट गेट इनफ स्लीप. फैक्ट की तो बात नहीं हुई कि हमें नहीं मिलती है, इस चीज़ को हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. सी ऑप्शन है द सेवरिटी ऑफ सर्टन इलनेसेस. कुछ इलनेसेस बताई हैं और उनकी सीरियसनेस बताई है. तो ऐसा नहीं है, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं. डी, पोटेंशियल सोल्यूशंस टू अ लैक ऑफ स्लीप. सोल्यूशंस की तो हमने बात नहीं देखी. ए ऑप्शन बचता है जो कनेक्शन बताया गया, डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड लैक ऑफ स्लीप, सॉरी द कनेक्शन. क्योंकि उन्होंने बोला है जब स्लीप हमें नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है. अगर आप इस वर्ड को मैच करके लगाओगे सीरियसनेस ऑफ कंडीशंस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि इसको मैच कर देंगे, इसके साथ ये दिया हुआ है, इलनेसेस भी दी हैं और सीरियसनेस भी दी है. बट राइटर मेंशन क्यों कर रहा है स्लीप डेट को, आपको उसका फुल आइडिया देखना है. उसने स्लीप डेट की बात ही क्यों की है? उसने बात इसलिए की है कि वो बताना चाह रहा है कि अगर हमें स्लीप नहीं मिलती तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सो अगर आप दो तीन वर्ड्स देख के मैच करते हो तो वो गलत मेथड है. आप फुल आइडिया देखो, राइटर ने क्या बात की है पूरे सेंटेंस में, और फिर उस आइडिया को मैच करो. डोंट मैच दी वर्ड्स, मैच दी आइडिया. नेक्स्ट, व्हाई इज आर्टिफिशियल लाइट मेंशन्ड इन पैराग्राफ टू. अगेन हमें जो है यहाँ पे लोकेशन प्रोवाइड की गई है आर्टिफिशियल लाइट, उसमें एक कीवर्ड भी दिया गया है. ऑप्शंस नहीं देखेंगे हम, आर्टिफिशियल लाइट देखो कि सेकेंड पैराग्राफ में कहाँ पे है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो आर्टिफिशियल लाइट आपको ऐसे आपने देखना है नीचे को, इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट आपको मिलेगी इस लाइन के अंदर. और आगे दोबारा से चेक करोगे तो आर्टिफिशियल लाइट दोबारा से गिवन है इस लाइन के अंदर. तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं और यहाँ तक हम सारा चेक करेंगे इसको. जब आप लोकेट कर लो लोकेशन को, राइट इंफॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है, फिर आप उसको अच्छे से केयरफुली रीड करो, क्योंकि तो आपको आइडिया अंडरस्टैंड हो. Until the advent of artificial lighting, जब तक नहीं आई थी artificial light, the sun was the major source of lighting. ठीक है, and people spent their evenings in relative darkness. तो लोग अपनी evenings जो थी वो darkness में
स्पेंड करते थे, ये बात बोली है इस बंदे ने, जो कि यह यूनिवर्सिटी में जो भी काम करता है उसको हमें नहीं देखना। फिर आगे यहाँ से बात आती है, एट नाइट मॉडर्न लाइट जो है वो थ्रो करती है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को, जिसको सर्कैडियन रिदम बोला जाता है, आउट, और उसकी वजह से स्लीप जो होती है वो सफ़र होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट क्या कर रही है, इम्बैलेंस कर रही है हमारी बायोलॉजिकल बॉडी की, जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, और उसकी वजह से हमारी जो स्लीप है वो सफ़र कर रही है। तो इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट क्या है, टू पॉइंट आउट दैट इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्लीप, ठीक है, ये मैच करता है तो इसको हम अभी के लिए लीव कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल चेंजेस, इसको एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल के चेंज के तरीके से एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको इतना कोई मैच नहीं करता, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की कोई बात नहीं हुई वहाँ पे कि किस तरीके से अब लोग चेंज हो चुके हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल आ चुका है, तो वो नहीं करेंगे इसको मैच। सी टू पॉइंट आउट दैट इट हैज़ रिप्लेस्ड सनलाइट, इसने सनलाइट को रिप्लेस कर दिया है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, रिप्लेस करने की बात हमें नहीं मिलती है बीच में। टू इलस्ट्रेट दैट लाइट फ्रॉम स्क्रीन्स इज अनहेल्दी फॉर आइज, ये भी हमें नहीं मिलता, स्क्रीन्स की कोई बात नहीं हुई और आइज की भी बात नहीं हुई, तो हमारे पास क्या बचता है, ए ऑप्शन, टू पॉइंट आउट दैट इट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्लीप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द व्हाट पॉइंट इज मेड इन पैराग्राफ थ्री। अब इसमें फुल पैराग्राफ आपको लोकेशन के तरीके से दे दिया है, बट इसमें कोई कीवर्ड नहीं दिया, पूरा पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा कि राइटर पैराग्राफ थ्री में क्या बोलना चाह रहा है। पैराग्राफ थ्री हमारे पास है ये वाला, तो अभी आप देख रहे हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको स्ट्रेटजी का नहीं पता, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट का आंसर, सेकंड में सेकंड का, थर्ड में थर्ड का। अगर आपको लोकेशन ऐसे नहीं भी गिवन तो भी ये ऑर्डर में ही मिलेंगे आपको, आपको एक के नीचे दूसरा आंसर, देन उसके आगे दूसरा तीसरा, ऐसे मिलते जाएंगे। सो इसमें पैराग्राफ थ्री में राइटर ने क्या एक मेन पॉइंट दिया है, कुछ चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर आप देख सकते हो ये देखो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर हम फुल पैराग्राफ रीड कर सकते हैं अगर चाहें तो। ऑल ह्यूमन नीड स्लीप बट दे डोंट ऑल रेस्ट द सेम वे, सो कॉल्ड नाइट आउल्स फॉर एग्जांपल जो हैं टेंड टू बी मोर अवेक, वो उठे रहते हैं लेट इन द डे, वाइल मॉर्निंग लार्क्स आर ऑपोजिट हैं उनके। तो इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी है कि कौन लोग सोते हैं कौन लोग जागते रहते हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन से हमें पता लग जाता है। वी ऑल हैव आर ऑन नेचुरल रिदम दैट टेंड्स टू डिक्टेट द टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, हम सबकी अलग अलग टाइमिंग है नेचुरली जो डिक्टेट करती है एक्टिविटीज़ को, लाइक स्लीप, हार्मोन रिलीज, इवन एथलेटिक एबिलिटी। सो हम सबका मतलब एक नेचुरल रिदम है जो अलग अलग है। उसके बाद बोला है ट्रू आउल्स एंड लार्क्स मेक अप अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, एक सर्वे का कंक्लूजन है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें राइटर का पॉइंट देखना, हमें सर्वे का कंक्लूजन नहीं देखना। तो राइटर का पॉइंट तो यही निकल के आता है कि हम सबका एक अलग अलग टाइमिंग है हर चीज को करने की। नाइट आउल्स स्टे अवेक एट नाइट, ये राइटर का मेन पॉइंट नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इस चीज को समझना है, तो ये आपका मेन पैराग्राफ का पॉइंट नहीं है। बी है अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज प्रॉब्लम स्लीपिंग, ऐसी इसने कोई बात नहीं की कि आधी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है। सी एवरीबॉडी स्लीपिंग पैटर्न आर डिफरेंट, ये बात उसने की है कि हम सबका एक सर्कैडियन रिदम है या नेचुरल रिदम है जो अलग अलग है। सो उसके बाद है डी मॉर्निंग लार्क्स आर लेस अवेक इन द लेट आफ्टरनून, सो मॉर्निंग लार्क्स जो हैं कम जागते हैं, लेट आफ्टरनून की कोई बात ही नहीं की उसने, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज फोर्थ, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ फोर, इसमें आपको स्लीप हार्मोन जो है मेलाटोनिन एज अ कीवर्ड दिया है लोकेशन फाइंड करने के लिए, तो इसकी हेल्प से हम लोकेशन देखेंगे।
और ये भी आगे जो है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। ओके, फोर्थ पैराग्राफ, नेक्स्ट वन। अब इसमें आप दूर से देखो कि आपको कहाँ पे मेलाटोनिन देखने को मिलता है। आपने पढ़ना नहीं है, जस्ट लुक फॉर वर्ड मेलाटोनिन। अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे मिलता है, देन एक यहाँ पे मिलता है, और एक लास्ट में यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो है मेलाटोनिन वाला वो यहाँ से स्टार्ट है। आर सर्कैडियन रिदम्स आर बेस्ड ऑन लाइट, डार्कनेस एंड द रिलीज ऑफ स्लीप हॉर्मोन मेलाटोनिन। इन तीन चीज़ों पे हमारा जो रिदम है काम करता है। इसको आगे आगे कंटिन्यू किया है, बाय कंट्रोलिंग द फर्स्ट टू। फर्स्ट टू कौन से थे? लाइट और डार्कनेस। जो थर्ड है शुड फॉल इन द लाइन टू हेल्प रीसेट वंस क्लॉक। अगर हम पहले दो को कंट्रोल कर लेते हैं तो तीसरा अपने आप रीसेट कर देता है क्लॉक को। तो डार्कनेस सिग्नल्स योर बॉडी टू रिलीज मेलाटोनिन एंड किक स्टार्ट द प्रोसेस जो बोला गया है दैट प्रमोट स्लीप, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। ये बोला गया है किसी के द्वारा, यहाँ तक ये सेंटेंस है। एक्सपोजर टू नेचुरल डे टाइम लाइट, जो एक्सपोजर हम मिलता है हमें डे लाइट का, उससे क्या होता है स्पेशली अर्ली मॉर्निंग लाइट का, उससे सिग्नल मिलता है बॉडी को टू रिलीज मेलाटोनिन अर्लियर इन द इवनिंग। तो उससे हमें जो मेलाटोनिन है वो शाम को जल्दी, जैसे ही शाम होना स्टार्ट होती है मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, अगर हम सुबह की डे लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारा समझ में आ गया। अब ए ऑप्शन है कि इज रिलीज्ड इन द मॉर्निंग बाय एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अब कुछ लोग देखेंगे इसको जल्दी से ऑप्शन लगा देंगे कि एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की बात हुई है, रिलीज की भी बात हुई है, बट एक चीज देखनी है यहाँ पे, इन्होंने बोला है रिलीज होता है रिलीज मेलाटोनिन अर्लियर इन द इवनिंग, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग दिया हुआ है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर सर्कैडियन रिदम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि तीन चीज़ें हैं उसमें से एक ये भी है इन्होंने बताया। सी है हेल्प्स अस टू वेक इन द मॉर्निंग, इससे हमें उठने में हेल्प होती है, ये तो नहीं दिया कहीं भी। इन्होंने ये बताया कि इससे स्लीप प्रमोट होती है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। इज प्रेजेंट इन हाई लेवल्स इन पीपल हु स्लीप वेल, ऐसी कोई बात नहीं हुई किन में ज़्यादा है किन में कम है, ये तो सीधे सीधे नॉट गिवन ऑप्शन जैसा है। ये आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा है तो उसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। देन बी ऑप्शन है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर सर्कैडियन रिदम, तो यही ऑप्शन जो है वो राइट फिट बैठता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि तीन चीज़ें हैं जो बेस है जिसपे हमारा सर्कैडियन रिदम, लाइट डार्कनेस एंड रिलीज ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू। इसी तरीके से आप सॉल्व करो, जस्ट लोकेशन फाइंड करो, वहाँ जाके केयरफुली रीड करो, जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होता आप दो बार पढ़ सकते हो। MCQs बिना पढ़े नहीं किए जा सकते, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्स्ट के साथ, तो ही आप उसको पढ़ के आंसर लगा सकते हो। बस ऑप्शंस पहले मत देखो, ऑप्शंस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसी वजह से आप रॉन्ग जो है ऑप्शन को चूज करोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।